नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बच्चों, आज जो अपने पास पैसेज हैं, आप देख पा रहे हैं ये पैसेज 2 हैं और आज अपन इसी को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो भी वॉकैब निकलेंगी, जो भी मीनिंग होंगी छोटी छोटी, जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। बच्चों ध्यान दें, लिखा हुआ है 1 कॉन्स्पिशियस। दोस्तों ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना आपका, ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्पिशियस, पहले तो इसका मतलब अपन समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। बच्चों सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये क्या बनकर आया है ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ये अपने आप में एक नाउन है और इस नाउन के पहले ये आया है कॉन्स्पिशियस, तो ये हमारे लिए एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल। क्लियरली विजिबल का मतलब हो गया स्पष्ट रूप से दिखाई देना या साफ साफ। आप इसे क्लियर, आप इसे बोल दें आप क्लियरली विजिबल, ठीक है, यानी स्पष्ट तौर पर दिखाई देना या स्पष्ट होना, कोई चीज़ है, कोई बात है, स्पष्ट हो जाना। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव नोटिस। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव नोटिस, तो ये भी कहा जाता है इसको, ठीक है, यानी कि एक आकर्षक बात या कोई सूचना। तो आइए ज़रा ध्यान दें, लिखा हुआ है 1 कॉन्स्पिशियस क्वेश्चन, एक आकर्षक प्रश्न या फिर एक स्पष्ट प्रश्न, एक ही बात है, अर्थ वही जाएगा। ज़रा देखना, इन द मॉडर्न जर्नल्स। अब यहाँ पे मॉडर्न जर्नल्स का मतलब, यहाँ पे जो जर्नल्स लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब न्यूज़पेपर्स या मैगजीन, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स, यानी कि जो अखबार हैं और मैगजीन हैं उनमें एक आकर्षक प्रश्न। अब आकर्षक प्रश्न क्या है, हाउ कैन आई डेवलप पर्सनैलिटी, कैसे मैं अपनी पर्सनैलिटी को विकसित कर सकता हूँ, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए ज़रा क्या लिखा है, उर्सुला ब्लूम, अब ये एक नाम है, उर्सुला ब्लूम गिफ्ट्स देती हैं दिस नॉट वर्थी। अब यहाँ पे नॉट वर्थी जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो ये भी हमारे लिए एक एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। आप जरा ध्यान दें, एडवाइज अपने आप में क्या हो गया, एक नाउन हो गया बच्चों, और नाउन से पहले आने वाली जो चीज़ होती है वो एक एडजेक्टिव कहलाती है। तो देखो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, एडजेक्टिव का ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट वर्थी का मतलब क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। तो ज़रा ध्यान देंगे ज़रा बच्चों, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उर्सुला ब्लूम गिफ्ट्स, उर्सुला ब्लूम देती हैं दिस नॉट वर्थी एडवाइस, यह महत्वपूर्ण सलाह टू यंग पीपल, किसको देती हैं, युवा लोगों को, क्या देती हैं भाई, प्लीज़ डू नॉट डू, बच्चों ध्यान देना ज़रा, कृपया, डू नॉट डू, कृपया मत करो, अब मत करो क्या नहीं करो भैया, अब देखना ज़रा आगे की तरफ बढ़ना ज़रा हम बच्चों, कृपया मत करो एज, जैसा आई डिड, मैंने किया, एट योर एज, आपकी उम्र में या तुम्हारी उम्र में या अपनी उम्र में। बच्चों यहाँ पे इस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्या कहा जा रहा है, प्लीज़ डू नॉट डू एज आई डिड, कृपया मत करो जैसा मैंने किया, एट योर एज, अपनी उम्र में, ठीक है, या उम्र में। आगे बढ़ते हैं, एंड वेस्ट ईयर्स, और बर्बाद कर दिए ईयर्स, सालों को, कॉपिंग, कॉपिंग माने नकल करते हुए, अदर पीपल, दूसरे लोगों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड आया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे ऑफ ओल्ड। बच्चों ये फ्रेज है, इसका जो मतलब होता है वो होता है लंबे समय, लंबे समय के लिए या लंबे समय से, ठीक है, या आप इसे ऑफ ओल्ड को ये भी बोल सकते हैं, सबसे पहले भी बोल सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस, ये भी लिख सकते हैं आप, सबसे पहला स्थान बोल सकते हो, इन द फर्स्ट प्लेस, आप ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये फ्रेज़ है आपका। अच्छा दूसरा, इसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या मतलब बताया, लंबे समय के लिए, तो आप फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप इसे फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ही मीनिंग के कई मतलब होते हैं,
डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस अर्थ में वो प्रकट हुआ है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑफ ओल्ड, लंबे समय के लिए या लंबे समय तक। क्या हुआ भाई, टू द सेम क्वेश्चन, यही प्रश्न आस्क्ड, पूछा बाय ग्रीक यूथ, जो ग्रीक के युवा थे उन्होंने पूछा लंबे समय से। अब यहाँ लंबे समय से तो अर्थ नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हो गया, लंबे समय पहले यानी बहुत पहले। बहुत पहले क्या हुआ था भाई, ग्रीक युवाओं ने भी प्रश्न पूछा यही प्रश्न। तो अब देखना जरा क्या कहा जा रहा है, सॉक्रेट्स रिप्लाइड। अब जो सॉक्रेट्स नाम के कोई दार्शनिक हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है, नो योर सेल्फ, खुद को जानो, खुद को जानो, स्वयं को जानो, डैट वॉज एक्सीलेंट एडवाइस, वह सबसे शानदार सलाह थी। देखो डैट लगाया है जो डिमोनेस्टिटिव प्रोनाउन है, डैट डैट माने वह। अब जब दोस्तों दिस और डैट, दिस लगाते हैं नज़दीक के लिए और डैट लगाते हैं दूर के लिए, तो अब ये सलाह प्राचीन यानी कि पुराने समय की सलाह है तो भाई दूर हो गई ना हमसे, इसलिए हमने डैट लगा दिया यहाँ पे, डिमोनेस्टेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डैट वॉज एक्सीलेंट एडवाइस, वह कैसी सलाह थी, बहुत महत्वपूर्ण और बेहतरीन सलाह थी। बट लेकिन इट डिड नॉट सेटिस्फाई, लेकिन यह, अब देखो बच्चों यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है आपको कि इट क्यों लगाया है इन्होंने, इट किसके लिए लगाया है, इट लगाया है बच्चों उन्होंने एडवाइस के लिए, किसके लिए इट लगाया है, एडवाइस के लिए। अब देखना बच्चों क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है इसमें इट डिड नॉट सेटिस्फाई, यह संतुष्ट, इसने संतुष्ट नहीं किया, किसने, इस सलाह ने संतुष्ट नहीं किया, बिकॉज क्योंकि इट डिड नॉट गो फार इनफ। अब देख रहे हो आप दोस्तों, अब ये इट फिर से आ गया, अब ये इट किसके लिए लगाया गया, एडवाइस के लिए, यानी इस सलाह ने संतुष्ट नहीं किया क्योंकि इट डिड नॉट गो फार इनफ। अब दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड आया है ना गो फार, इसके बारे में जरा मैं बता देता हूँ, इस गो फार का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी हमारे लिए फ्रेज है, इसका मतलब होता है अचीव अ ग्रेट गोल। आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों अचीव अ ग्रेट गोल, मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना, अचीव माने प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, कोई महत्वपूर्ण गोल, गोल माने लक्ष्य। तो देखना जरा क्या कहा जा रहा है भाई, इट डिड नॉट गो फार इनफ, यह पर्याप्त मात्रा में नहीं इसने दिया, इसने, इस सलाह ने हमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं दिया, एक लक्ष्य नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेन रोमन यूथ क्वेश्चन मार्कस ऑरेलिस, अब रोमन युवाओं ने प्रश्न किया, किससे किया, मार्कस ऑरेलिस से। अब उन्होंने क्या कहा, ही सेड, उन्होंने कहा बी योरसेल्फ, बनो, खुद में बनो कुछ, बी माने होता है दोस्तों बनना, बनना या होना, बनो, क्या बनो भाई, खुद बनो, क्या बनो भाई। अब उन्होंने कहा कि जो भी कुछ आप बनना चाहते हो या जो भी आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो भाई, अपने आप को जानो, आप अपने आप को जानो। तो ये बात किसने कही, ये बात सॉक्रेट्स ने कही थी, नो योर सेल्फ। यही चीज़ जब उर्सुला ब्लूम से पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, प्लीज़ डू नॉट डू एज आई डिड एट योर एज एंड वेस्ट योर वेस्ट ईयर्स कॉपिंग अदर पीपल। उर्सुला ब्लूम ने क्या कहा कि दूसरों की नकल मत करो, क्योंकि उसने नकल की थी बहुत सालों तक दूसरे लोगों की। सॉक्रेट्स क्या कहते हैं, अपने आप को जानो, और ये क्या कहते हैं, बी योरसेल्फ, खुद में बनो। अब खुद में बनो यानी खुद जैसा बनो। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, टू द यूथ ऑफ अवर ऑटोमिक एज, यानी जो युवा हैं हमारे ऑटोमिक यानी कि आज का जो वातावरण है उस युग के, द साइकोलॉजिस्ट सेज, जो साइकोलॉजिस्ट हैं यानी मनोविज्ञानी हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, डेवलप योरसेल्फ, अपने आप को विकसित करो। दोस्तों अगर वास्तव में बात की जाए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तो यही सही जवाब होना चाहिए, डेवलप योरसेल्फ, अपने आप को विकसित करो। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग चकाचौंध की ज़िंदगी में जीते हैं अपनी लाइफ को, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली, और हम उनकी कल्पना करते हैं कि वो देखो उनके जैसा बनना है, उनकी जैसी पर्सनैलिटी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है, हर एक इंसान के अंदर अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी छुपी होती है, और जो पर्सनैलिटी अपने अंदर छुपी होती है बस उसी पर्सनैलिटी को हमें क्या करना होता है बच्चों, विकसित करना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है।
और जब बच्चों आप अपने आप को डेवलप करेंगे, जब अपने आप को देखेंगे, आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, आप अपने लिए कुछ करेंगे, तभी दोस्तों हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि विराट कोहली किसी से प्रेरित होकर उसने अपने आप को चेंज किया? नहीं, ऐसा नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, नहीं। आज देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं उसके नाम, विराट कोहली के नाम। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं उसके जैसा बनूं, नहीं, हमें उसके जैसा नहीं बनना है, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, हमें अपने अंदर खुद का विकास करना है, हमें ये देखना है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, जिस जगह कमज़ोर हैं उस कड़ी को मजबूत करना है, अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी का। कई बच्चे मैंने देखे हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कोचिंग लगाते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते हैं बच्चों, अच्छी इंग्लिश बोलने से, अच्छा लिखने से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के उदाहरण नहीं है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता इससे तो नकल होती है। ये तो नकल कर रहे हो आप दूसरों की, आप बंदर थोड़ी हो भाई, जानवर नकल करता है, आप बंदर हो क्या, आप जानवर हो क्या जो नकल कर रहे हो? नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करो, आप अपनी कमजोरियों को हटाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ किसी भी चीज़ का। देखो, आप इंग्लिश बोल रहे हैं सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, नहीं, इसे ये पर्सनैलिटी डेवलप थोड़ी हुई। आप अगर जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं अपनी ही बात करूं, अगर आज मैं ये देखूं कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ओहो मैं इंग्लिश में ही बात करूं, इंग्लिश में ही आपके सामने अपनी इंग्लिश का बखान करूं, अपने आपको मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलूं जो आपको समझ में ही नहीं आए इंग्लिश में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आप मेरी तारीफ़ करेंगे, या ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई मैं आपको आपकी ही भाषा में आपको चीज़ समझा पाऊँ तो आप मेरी तारीफ़ करेंगे? कब तारीफ़ करेंगे? जब मैं आपको इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स बोल दूँ जिसका अर्थ भी समझ में ना आए आपको, तब आपको लगेगा कि अरे हाँ ये इंग्लिश टीचर है। नहीं बच्चों, इसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कहते। मैंने अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनाई? लोगों के अनुरूप बनाई। भाई मेरे पास अगर ज़्यादा अंग्रेज़ आदमी आता है पढ़ने के लिए, ज़्यादा अंग्रेज़ बच्चा आता है, तो मैं उसको अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से ढाल लेता हूँ। अगर कोई गाँव का बच्चा आता है तो मैं गाँव के बच्चे के हिसाब से ढाल लेता हूँ। इसी को कहते हैं डेवलप योरसेल्फ, खुद को डेवलप करो, इसी को कहा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम वातावरण और स्थिति, प्रकृति, व्यवहार, आचार विचार के अनुरूप अपने आप को ढाल लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है? डेट इज़ द आंसर। देखो, यही उत्तर है टू द क्वेश्चन, प्रश्न का, वॉट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ। पर्सनैलिटी क्या है बच्चों? पर्सनैलिटी अपने खुद का विकास है। दोस्तों इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरा ध्यान देंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द क्वेश्चन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हैज़, जो प्रश्न है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर हैज़, वो क्या रखता है? नो डेफिनेटिव आंसर, किसी भी प्रकार का डेफिनेटिव का मतलब हो गया एक प्रकार से कोई भी निश्चित जवाब नहीं रखता है। करेक्ट आंसर, सही उत्तर रखता है। आ डेफिनेट आंसर, एक डेफिनेट आंसर रखता है, या नो आंसर, या कोई भी जवाब नहीं रखता है। मतलब कि अगर कोई पूछता है कि डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? क्या इसका कोई डेफिनेट आंसर है? नहीं, आप इसको कहेंगे इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है। क्योंकि देखो, अगर इसका कोई डेफिनेट आंसर होता तो यहाँ पे डेफिनेट आंसर तो ये भी दे चुके होते। उर्सुला ब्लूम ने अपने ज़माने में कहा कॉपी मत करो, सॉक्रेट ने कहा अपने आप को जानो, अब मार्कस ऑरियोलस ने कहा खुद में बनो, अपने आप में बनो कुछ, और साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं आज के, डेवलप योरसेल्फ, अपने आप को क्या करो भाई, विकसित करो। दोस्तों तो देखो, समय के अनुरूप इन सब की परिभाषाएं बदलती चली गई, उर्सुला ब्लूम की बदल गई, सॉक्रेट की बदल गई, मार्कस की बदल गई, और आज के अनुरूप क्या कहा जा रहा है कि अपने आप को विकसित करो, तो अब इसकी भी परिभाषा बदल गई। तो समय के अनुरूप बदल गई तो इसका तो कोई डेफिनेट आंसर तो हो नहीं सकता, तो नो डेफिनेट आंसर्स, इसका कोई है ही नहीं आंसर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई फिक्स आंसर नहीं है, फिक्स इसका जवाब नहीं। आगे देखो भाई, द ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेट्स प्रोमोटेड,
अब जो ग्रीक फिलोसोफर हैं उन्होंने प्रमोट किया, प्रमोट का मतलब क्या होता, एक विचार। अब उन्होंने क्या विचार दिया था भाई सोक्रेट ने, अब देख लो, आप ऊपर देख लो भाई, ये लिखा हुआ है भाई, जो ग्रीक फिलोसोफर थे सोक्रेट क्या कहते हैं, नो योर सेल्फ। तो आपको उत्तर मिल गया होगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया इसमें बच्चों आंसर, सेल्फ नॉलेज, नो योर सेल्फ यानी खुद को जानो। अच्छा अब देखो जरा तीन नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है उर्सुला ब्लूम प्रोपोगेटेड, अब प्रोपोगेटेड का मतलब भी होता है विचार। उन्होंने क्या विचार दिया, डेट कि यंग पीपल शुड, कि युवा लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भैया, क्या करना चाहिए भाई, नॉट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, इसका बी आंसर आ गया है ना। तो दोस्तों इस बात को आप हमेशा ध्यान, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना नॉट वेस्ट ईयर्स, बच्चों ये आंसर नहीं होगा। अब भाई जब आप किसी कॉपी नहीं करोगे तो आप ईयर कहाँ से बर्बाद करोगे। हम लोग अक्सर करते हैं ना कि दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी को देख के प्रभावित होते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखो बच्चों, अपनी आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी विकसित करनी, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है तो अपने आप को विकसित करो, अपनी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगी। डेवलप करना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो अपने आप को क्या करो, सबसे पहले विकसित करो। आप अपनी कमजोरियों को हटाओ, आपके अंदर जो झिझक होती है, बात करने की झिझक है, आपको किसी चीज़ को समझने की झिझक, भाई अंग्रेज़ी को अंग्रेजी में मत सीखो, हिंदी में सीखो, मैं तो कहता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ साहब मैंने, मुझे ये चीज़ समझ में आई। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम बहुत सारे टीचर जो अंग्रेजी के टीचर हैं, मैंने देखा है कि वो अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। भैया आप उसे हिंदी की तरह पढ़ाओ ना तो बच्चों को समझ में आएगा ना, क्यों नहीं आएगा समझ में। आप अपने अंग्रेजी वाले टीचर अपना अंग्रेजीपन झाड़ते हैं, नतीजा ना तो वो खुद एक अच्छे टीचर बन पाते हैं, ना वो बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो बच्चों की पर्सनैलिटी कहाँ से डेवलप होगी, कहीं से नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छा था और आप इसको एक बार फिर से देखना, पढ़ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। नए पैसेज के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।